राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल समस्या समाधान पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, हनुमान जी को बहुत प्रिय है यह खुशबू, जरूर जलाएं यह मैग वाली धूप बत्ती। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में हनुमान जी की कुछ पसंद की चीजें बताने जा रहा हूँ, जिनसे आप हनुमान जी की कृपा जल्दी पा लोगे। हनुमान जी से कुछ विशेष मान्यता है इन जीवों की। हिंदू मान्यता के अनुसार हनुमान जी सिंदूरी अथवा केसर वर्ण के थे, इसलिए हनुमान जी की मूर्ति को सिंदूर लगाया जाता है। पूजन विधि के दौरान सीधे हाथ की अनामिका उंगली से हनुमान जी की प्रतिमा को सिंदूर लगाना चाहिए। हनुमान जी को केवड़ा, चमेली और अमर की महक अति प्रिय है, इसलिए जब भी हनुमान जी को अगरबत्ती या धूप बत्ती लगानी हो तो इन महक वाली ही धूप बत्ती लगानी चाहिए। हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होंगे। अगरबत्ती को अंगूठे तथा तर्जनी के बीच में पकड़कर मूर्ति के सामने 3 बार घड़ी की दिशा में घुमाकर हनुमान जी की पूजा करना चाहिए। वैसे तो भक्त हर दिन अपने भगवान को पूजा करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में विशेषकर महाराष्ट्र प्रांत में मंगलवार को हनुमान जी की दिन माना जाता है, इसलिए इस दिन हनुमान जी की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। भारत के अलग अलग राज्यों में भी मंगलवार के साथ साथ शनिवार का दिन भी हनुमान जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, और इसलिए दोनों दिनों का विशेष महत्व है। भक्तगण इन दिनों में हनुमान जयंती, चालीसा, सुंदरकांड का आदि का पाठ कराते हैं। इस दिन हनुमान जी की मूर्ति पर तेल व सिंदूर चढ़ाने का प्रावधान भी है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाले और भी अच्छे अच्छे टोटके विधियाँ आप तक पहुँच सकें। मैं आपके लिए फिर लाऊंगा कोई अच्छा सा वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों राधे।